सभी स्टूडेंट को फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पिछले वीडियो हम आपको क्लियर कट बताए थे, आपका एग्जाम नहीं नवम्बर में होगा नहीं दिसंबर में होगा, क्लियर कट हम आपको बता दिए थे, आपका एग्जाम जनवरी में होगी। और अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल के आई, अभी नवम्बर चल रही है और आप लोग कॉमेंट भी किए थे, दो चार स्टूडेंट ऐसा है जो कॉमेंट किए थे नवम्बर में एग्जाम होगी। तो देख लीजिए नवंबर में एग्जाम हो रही है, तो अभी एग्जाम को लेके क्या अपडेट निकल के आई इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा तिथि घोषित, जाने एग्जाम कब होगी। तो दोस्तों हम क्लियर कट बता दिए, अभी आपको पता होना चाहिए बिहार में होर लगी हुई है, जो हम इतना जॉब दिए, हम इतना नौकरी दिए, हम इतना नौकरी दिए और लगातार नौकरी का सिलसिला जारी है। देख लीजिए लगातार अभी बीपीएससी जो है बीपीएससी द्वारा रिजल्ट जारी किया जा रहा है, लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि इस बार भी जो मुद्दा बनेगी वह सरकारी नौकरी का ही मुद्दा बनेगी, रोजगार का ही मुद्दा बनेगी। इसीलिए और इस स्थिति में अभी बीपीएससी देखिए कितना रिजल्ट जारी किया, और एक बीएसएससी है जो आराम से कान में तेल दे के सोया हुआ है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, जो कि अभी आपको भी पता होना चाहिए बीएसएससी को भी बहुत सारे अधियाचना भेजा गया है, जो वैकेंसी निकाली और जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। तो ऐसे में अभी बिहार एसएससी का एग्जाम के कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई है जो कब एग्जाम होगा नहीं होगा, तो ऐसे में कैसे जो अभी बीएसएससी को दिया गया है अधियाचना, तो उसका कब ये फॉर्म भराएगा, कब उसका जो है एग्जाम लेगा, क्योंकि पहला अभी जो है प्राथमिकता है सरकार को जॉब देना और 2025 में विधानसभा का चुनाव है, और इसी को देखते हुए लगातार देखिए बिहार के 4500 विभाग में लगातार वैकेंसी की सिलसिला जारी है और लगातार वैकेंसी निकल रही है। ठीक है, इसी को लेके अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, हम पहले भी बता रहे अभी भी बता रहे हैं, अभी बीएसएससी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है जो हम एग्जाम कब ले रहे हैं। ठीक है, बीच में यह अपडेट आया था जो 2000 प्लस जो है 2000 सीट में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, 2000 सीट बढ़ाया जा रहा है बिहार एसएससी में, इसमें 2000 सीट बढ़ाया जा रहा है। तो भाई सीट बढ़ाया जा रहा है तो पहले आप एग्जाम लीजिए ना, एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। 9 महीना में बच्चे पैदा हो जाता है और आपका 9 महीना प्लस हो गया है और अभी तक कोई पता ही नहीं है जो आप एग्जाम कब ले रहे नहीं रहे, एक नोटिस तो जारी कीजिए, बच्चे को बताइए हम इस महीना एग्जाम लेंगे, समझे। तो ऐसे में अभी सूत्रों से पता यही चला है आपका एग्जाम जनवरी, ठीक है, जनवरी से लेके फरवरी में होगी, उससे पहले कोई चांस नहीं है। जनवरी से लेकर फरवरी में आपका बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है। अगर कोई कह रहा तो वह गलत कह रहा, क्योंकि बीएसएससी अभी जो है सोया हुआ, पूरा बीएसएससी अभी सोया हुआ है कान में तेल देके, वो जगेगा जनवरी में। तो जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होगा, उससे पहले कोई एग्जाम नहीं होने जा रही है। ठीक है, अगर कोई कह रहे हैं बिहार एसएससी एग्जाम करवा रहा है तो कोई गलत बता रहा है, समझे कि नहीं। जब भी एग्जाम होगी तो आपको ऑनलाइन एग्जाम होगी और लगभग ये 5 से 6 दिन ये एग्जाम चलेगी, समझे कि नहीं। तो अभी अपडेट यही निकल के आ रही है, समझे, जो आज भी नीतीश कुमार बिहार के 4500 विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक किए हैं, मीटिंग किए हैं, मीटिंग में जो भी निर्णय लिया गया अलग से हम आपको वीडियो बनाकर अपडेट करेंगे। इस एग्जाम को लेकर अभी यही अपडेट है, जो ये एग्जाम आपको जनवरी से लेकर फरवरी में होगी, उससे पहले कोई एग्जाम होने नहीं जा रही है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट और भी वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं या और भी वैकेंसी का आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कीजिए और साथ में इसको भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसका एग्जाम आपको जनवरी फरवरी में होगी, उससे पहले कोई एग्जाम होने नहीं जा रही। तो चलिए इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर चेक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बीएसएससी एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।